समस्त मातृसंस्था को जगह फाउंडेशन स्वागत है। माना ट्रस्टी कैम ट्रस्टी कैंजी बैनी कैम ट्रस्टी माना भद्रता सुनिया उपाध्यक्ष में महामंत्री राजेश भाई डॉक्टर चंद्रा आज जो ये जेडल ग्रुप का जो जेडल फाउंडेशन का जो फंक्शन है ये एक्चुअली बेसिकली एग्जीबिशन और शॉपिंग का एग्जीबिशन स्टॉल है। इनका एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। ये लोग जो होम मेकर्स हैं हमारे भानुशाली नारी शक्ति है जो होम मेकर्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस स्किल्स का जो डेवलपमेंट है उस पर काम कर रहे हैं। और हम भानुशाली में बिजनेस हमारे खून में होता है, हमारे ब्लड में होता है। और आज आप जब ये यूनिक स्टॉल्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा जो बिजनेस स्किल है ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा समाज है ना, पहले से एक चीज़ मान के चलता है, नारी सशक्तिकरण। हमारे समाज में सबसे
बच्ची एक परिवार में जन्म लेती है तब से उसके माँ बाप सोचना चालू कर देते हैं कि ये बच्ची बड़ी होकर खुद की पैर पे खड़ी रहनी चाहिए, चाहे बिजनेस में चाहे कोई एजुकेशन में। ये हमारे समाज का मूल मंत्र है नारी सशक्तिकरण। और वीमेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी, लेकिन जो स्किल है किस तरह से दिया जा रहा है, आज काफ़ी कैंप लगाया गया है। देखो ये सब मेक इन इंडिया का एक प्रमोट है कि होममेड खुद के घर में या खुद के फैक्ट्री में या उसके उद्योग में जो स्मॉल उद्योग है उन पर मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे एक प्रदर्शनी है, आगे जाके इसका फायदा पूरे समाज को और पूरी नारी शक्ति को मिल जाता है। इस तरीके से महिला शक्ति को प्रमोट करने के लिए, नारी शक्ति को प्रमोट करने के लिए हमारा अच्छी भावना वाली सेवा जेंडर फाउंडेशन मिलके पूरे इंडिया में, गुजरात में, हर जगह पे ऐसे प्रोग्राम करके नारी शक्ति को मजबूत करने का काम करेंगे। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे, कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विमेन्स को आगे बढ़ने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम कहने के लिए ये चाहेंगे कि आपकी धर्मशाली सेवा समाज ट्रस्ट जो हमारी मातृ संस्था है, उस मातृ संस्था ने जो जेडल को प्रमोट किया है, जेडल बोले तो हमारे में एक सहेली होता है जो वुमेन्स को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं, तो जो हमारी मातृ संस्था है उसने हमें एक मौका दिया इस जेडल परिवार को कि आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। और इस आज अष्टमी के दिन इस कार्यक्रम का रखने का उद्देश्य इन लोगों का यही था जेडल फाउंडेशन का, कि सब जो महिलाएँ हैं जो मोदी साहब ने हमें कहा है कि आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए, तो आत्मनिर्भर के बेस के ऊपर हमने ये महिलाओं को वक्त दिया है और इसमें हमारी मातृ संस्था ने हमें जो सहायता की है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे प्रेम की भाई भानुशाली हैं, जो हमारी मातृ संस्था है कच्ची भानुशाली सेवा समाज ट्रस्ट, उनके ट्रस्टी हैं। एंड ये करीबन 30 से ज़्यादा साल हो गए इस ट्रस्ट की पद के ऊपर हैं और उन्होंने समाज को शून्य से सृजन करते हुए देखा है। सर क्या कहना चाहोगे, आपने काफ़ी बड़ा योगदान दिया इस ट्रस्ट को, अब किस तरह से आगे की क्या प्लानिंग है कई सारी महिलाओं को आगे लेके जाने के? इनका कहना ये थोड़ा सुनते कम है, इनका ऐसा कहना है कि जो कार्यक्रम आज यहाँ पे हमारा हुआ है वैसे ही कार्यक्रम अभी और हम वापी, वलसाड़, गुजरात में भी काफ़ी जगहों पे करने वाले हैं और मुंबई में भी जैसे हमारी दूसरे संस्था एरियाज हैं, डोंबिवली है, कल्याण है, विठलवाड़ी है, वहाँ पे भी करने वाले हैं, ऐसा इनके ऑलरेडी माइंड में है। आगे इस प्रोग्राम को और बढ़ाएंगे। सर जैसे गुजराती जो कम्युनिटी है वहाँ पर तो काफ़ी वुमेन आगे होती है, लेकिन अदर कम्युनिटी के लिए आपकी जो संस्था है कर पाई अगर अदर कम्युनिटी है जो उनको भी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुछ प्रोत्साहन करने के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? ये हमारी जो जेडल संस्था है ये सिर्फ भानुशाली कम्युनिटी या गुजराती कम्युनिटी के लिए काम नहीं करती है, ये सब लोगों के लिए काम करती है। जैसे लोग मेहंदी क्लासेस चलाते हैं, सीवन क्लासेस चलाते हैं, और ये जेडल फाउंडेशन ऑलरेडी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ भी होता है, तो जैसे उत्तराखंड में फ्लड आया था तो जेडल फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ता वहाँ गए थे, फिर जैसे बिहार में फ्लड आया था तो वहाँ पर गए थे, जैसे साउथ में फ्लड आया था तो वहाँ पे भी गए थे। तो ये जेडल फाउंडेशन जो हमारी संस्था है ये सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं बट सबके लिए काम करती है और इसमें हमें हमारा मातृ संस्था का पूरा सहयोग है। थैंक यू। भानुशाली है, पिछले 17 साल से हम ये संस्था चला रहे हैं और ये संस्था हम लेडीज़ के लिए है, तो लेडीज़ आज घर से बाहर निकल के अपने आत्मनिर्भरता जो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही है, हम उसको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं हम, और जेडल वैसे बहुत से सारे काम करती है, इसमें से एक अच्छा सा काम छोटे बच्चों की फीस भरते हैं, 40 लड़के जेडल के नाम पे पढ़ते हैं और स्वइंग मशीन हम लोग दे रहे जो लीडी लेडीज है जो उनको, और ब्यूटी क्लासेस, मेहंदी क्लासेस, नेल आर्ट्स और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है इनके, जैसे कि ड्राइविंग सिखाएंगे, मेकिंग सिखाएंगे लेडीज़ को और ब्यूटी क्या सब उन लोगों को
मैम आपका नाम बताइए और कितने सालों से आप जुड़े और कितना चेंज आया है उस ऑर्गेनाइजेशन ने, कितना चेंज आया है? मेरा नाम भारती भानुशाली है, भारती गजरा भानुशाली, और हम लोग 17 साल से जनरल संस्था में जुड़े हुए हैं। पहले तो हम लोग एंटरटेनमेंट करते थे, सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ तो एट्रैक्शन होना चाहिए। पहले हम लोग रास गरबा कुछ फंक्शन लेते थे, फिर रसोई का ये लिस्ट बना के हम लोग कॉम्पिटिशन रखते थे, लेकिन अब का समय ऐसा है जो हर लेडीज़ को बाहर आना है और आत्मनिर्भर बनना है, हम उनको बाहर निकालने के लिए प्रेरणा देते हैं। और ऐसा नहीं है जरूरतमंद को ही बाहर निकलना है, लेकिन जो जिसमें जो कला है, जिस लेडीज़ों में कला है उनकी कला भी बाहर निकलनी चाहिए। तो हम लोग उनको निकालने के लिए ये सब फंक्शन रख रहे हैं, कॉम्पिटिशन रख रहे हैं, तो आगे अभी हम लोग बहुत सारा करने वाले हैं लेडीज़ के लिए। हम लोग को जब पता चला ये चालू होने वाला है तो सब बोला कि आप लोग सब बाहर आओ, बाहर की दुनिया क्या है, पूरा घर में जो बाहर निकलते हैं। तो ये सब हमारे शुरू से छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम रखते हैं, ये सब फन फेयर है, फिर फैशन शो किया, ये सब मतलब जो जिनकी जो टैलेंट है वो उनका बाहर आए। मैम आप बताइए, आपका नाम बताइए। माय सेल्फ मनीषा भद्रा, इस संस्था से 16 साल से जुड़े हुए हैं, और जब संस्था चालू हुई झेड़ल मीन्स क्या है, तो झेड़ल एक नाम है पांजे बैंड सतवारे कच्ची में, तो हम सब लेडीजों को साथ में लेके चल रहे हैं। एक इतना ह्यूज फर्क आ गया है कि 2005 में जो हमने झेड़ल का काम स्टार्ट किया था और आज हम 2022 में जो कर रहे हैं उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है। अभी हम लोगों ने सब डिजिटलाइजेशन किया है, यूथ को लिया है, और हम लोगों का नॉट ओनली हमारी कम्युनिटी के लिए बट हम लोग और लोगों के लिए भी और कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं, हमारी मातृसत्ता से जुड़े हुए हैं, और आगे भी झेडल काफ़ी सारे महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के जितने हो सकेंगे उतने काम करने की कोशिश करेंगी। आज का ये जो हमारा फनफेयर है, लाइव म्यूजिक है, लाइव फूड है, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और दे आर वेरी मच हैप्पी कि उन लोगों को अभी से इतनी दोपहर में इतनी गर्मी में भी उनको बहुत ही एक्सट्रीम उन लोगों को रिस्पॉन्स मिला है। तो वी आर हैप्पी विद झेडल और हम लोगों के झेडल के आगे भी ऐसे ही होते रहे। थैंक यू। मैं जामनगर गुजरात से आ रहा हूँ, मेरा नाम अशोक पठान है। मैं 3 साल पहले जो भानुशाली समाज द्वारा आयोजित बिग आइडिया समिट में भी स्टॉल मैंने लगाया था। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमने छोटे से शुरुआत की थी बिग आइडिया समिट से, सेवा समाज जो औरतों को प्रोत्साहन दे रही है, छोटे व्यापारियों को, उनको बिजनेस बढ़े, उनकी शक्ति डेवलप हो, हमने भी छोटे से शुरुआत की थी और अब बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं। हमारा खुद का चाय का ब्रांड है देवकिश्ती, और उसमें हम 3 क्वालिटी बनाते हैं, एक है केसरी सियन, रेड सियन और देवकिश्ती। पहले हमने देवकिश्ती से शुरुआत की थी, अभी 3 ब्रांड पे पहुंच गए। ये समाज जो छोटे लोगों को प्रोत्साहन दे रही है उसकी वजह से एक ब्रांड से चालू करके हम 3 ब्रांड पे पहुंच गए, समाज का ये हमारे पे बहुत बड़ा ऋण है। अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं, ये हमारे गांव के लिए, लेडीज के लिए, लेकिन ये हुआ सबसे छेड़े।
बहुत सारे। मैम आपका नाम बताइए और आप कितना टॉल है और आप क्या बता रहे हैं? सबको आता है लेकिन हम लोग कुछ एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं कि सब लोग मिल के भी कर सकते हैं, किसी और तरफ से भी कर सकते हैं। इसके लिए एक आत्मनिर्भर बनने के लिए लेकिन हम लोग ये प्लेटफॉर्म जेडल ने दिया जिससे हम लोग आगे अभी जहाँ भी ये लोग देखिए ये ना पहली बार हमारे गांव में आज आए हमारा कुछ बना है अभी जस्ट दो तीन महीनों पहले और अच्छे से होता है। एक लेडीज है जिसे जो रियल प्रॉब्लम है उसे बताए तो गाँव में लोग करते इनकम की जरूरत है लेकिन वो सोचते हैं हम कैसे करें हमारे पास डिग्री नहीं है। तो हम जो है सारे वेल सेटल हैं डिग्री वाले बट फिर भी दावेली का रखा था ये समझ में आए कि अगर आपको अपने पैरों पे खड़ा रहना है तो उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस किसी का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और आप अपने पैरों पर खड़े रहें। और वैसे भी जेंडर हर बार हर लेडीज को सपोर्ट करते हैं। मैम आप क्या कहती हैं? मेरा नाम गीता दीपक भानुशाली, मैं भानुशाली समाज में 20 साल से जुड़ी हूँ और जेडल की मैं 20 साल से जुड़ी हूँ। जेडल जो काम कर रही है महिलाओं को आगे ले रही है कि अपने पैर पर खड़ी रहे और साथ गए घर के लिए। तो हमारे गांव में महिला की संस्था बनी है प्रमुख पद का स्थान दिया गया है। मेरा जबरदस्ती महिलाओं की संस्था इसके लिए बनाई है कि कोई घर में इश्यू है वो किसी जेंट्स से नहीं सॉल्व होती है तो हम लोग लेडीज जाके सॉल्व करते हैं। बेल है, पुष्पा बेल है, रुकमणी है, सानी बेल है, पुष्पा बेल है, अच्छा इसका नाम भी बोल रही है राखी बेल है, वो सब मेरी फ्रेंड है। हमारे में जैसे आपने मुझे कहा कि हिंदी में इंटरव्यू बोलना है तो जेडल यानी फ्रेंड्स जो सखियाँ बोलते हैं सखियाँ वो हम सखियाँ हैं। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे इन्विटेशन दिया एग्जीबिशन में प्लीज डाला मैं वो एग्जीबिशन देखने को आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और जो जेडल काम कर रही है जो जेडल कमेटी काम कर रही है इतना अच्छा काम कर रही है और एग्जीबिशन को हर साल रखते हैं बट हमारे समाज को जो लेडीज को प्रमोट करना रहता है नारी शक्ति को प्रमोट करना रहता है उसके लिए बहुत ही उनका काम कर रहे हैं। कहाँ पे बच्चों की फीस नहीं दे सक रहे कोई गरीब घर कहाँ पे बहुत ही रूपीज की प्रॉब्लम्स है कहाँ पे कोई लेडी इंडिपेंडेंट होना चाह रही है बट उसके पास कोई सहूलियत नहीं है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्टिचिंग बहुत अच्छी आ रही है बट मेरे पास नहीं कोई स्पेस है नहीं मेरे पास वो चीज़ बनाने के लिए कोई यूजिंग मशीन है तो वो जेडल कमेटी है वो सब प्रोवाइड करती है। और हमें यानी मुझे तो बहुत ही गर्व है कि हमारे समाज में ऐसी महिला है जो और किसी के लिए काम कर रही है। भानुशाली हूँ और जो जेडल ग्रुप है जो आज उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और जेडल की नीलू गजरा शीतलबेन सेठिया मनीषा बद्रा विद्याबेन चांद्रा रुकमणी मिठिया उन लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। पहले मैं घर से स्टार्ट करती थी आज मैं अपना फूड काउंटर अपना स्टॉल और बड़े बड़े ऑर्डर रखती हूँ और थैंक यू जेडल जो यहाँ उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है। थैंक यू जेडल फाउंडेशन 17 साल से बहुत ही कार्यरत है मैं हमेशा देखती रहती हूँ उनकी सारी एक्टिविटी और आज उन्होंने महिलाओं के लिए जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया और ये इनिशिएटिव इसके पहले भी मैं थोड़े एक दो महीने पहले घाटकोपर में भी एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम भानुशाली समाज के माध्यम से हुआ था ऐसा ही कार्यक्रम आज जेडल ने यहाँ पे किया है और जेडल के आज 17 साल पूरे भी हुए हैं और
इसी तरह वो कार्य करते रहे और महिलाओं को मोटिवेट करते रहे। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल में देख रही हूँ और हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का भी स्वप्न है कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, इस तरीके से जो काम हो रहा है और यहाँ पे महिलाओं जो एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर रही है, इसके लिए मैं जेडल को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत ही शुभकामना देती हूँ। ऐसे ही सब आगे बढ़े और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैम आपका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, बताया जा रहा है, क्या जी। मैं महिलाओं के लिए पिछले 28 साल से काम कर रही हूँ, कॉरपोरेटर के रूप में भी, और कॉरपोरेटर नहीं थी तभी भी महिलाओं से मैं जुड़ी हूँ पिछले 28 साल से। और जिस तरीके से कहीं भी कुछ भी करने से महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो वो सारे कार्य करने के लिए मैं हमेशा महिलाओं को मोटिवेट करती हूँ। और ये सारी जो भानुशाली समाज की जो महिला आज मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, उन सभी महिलाओं को मैं शुभकामना देते हुए यही कहूँगी कि आने वाले समय के अंदर भी जो भी मेरी मदद की महिलाओं के लिए कोई भी कार्यक्रम में ज़रूरत रहेगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। मेरा नाम रजनी अमृतवाला है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं लास्ट 17 ईयर से जेडल ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। भानुशाली समाज का ये जो जेडल ग्रुप है, उन्होंने काफ़ी 17 साल में काफ़ी लेडीज़ों को आगे काम दिया है और आगे बढ़ाया है और हमेशा ये प्रोग्राम में मैं इन्वाइटेड रही हूँ, ताकि नारी जो आगे बढ़ रही है और नारी को जो विल पावर जो कहते हैं, तो जेडल ग्रुप की लेडीज़ काफ़ी सारा उनका काम में हेल्प करती है। कहाँ लेडीज़ हैं और आज कहाँ कहाँ पहुँच रही है, तो वो लोग उनको मोटिवेशन भी बहुत अच्छी तरह दे रहे हैं। तो जेडल ग्रुप को तो मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। जेडल ग्रुप का महिलाओं का जो एक संगठन है, जो कमेटी है, जो एक एकतापन है उनमें, तो वो लोग सबको साथ में लेके चलती है। तो जेडल ग्रुप को हमेशा, जेडल ग्रुप के साथ हमेशा हम जुड़े हुए ही रहेंगे और आशा करते हैं कि और आगे उनका नाम ऑल ऑफ कंट्री में जेडल ग्रुप जाए और उनका एक एक का जो काम है वो उनका प्रदर्शित करें और अच्छा क्या। आपका भी कोई स्टॉल है मुझे आप बताना चाहिए। मेरा नाम निहारिका शर्मा, मैं सोशल कुमार, मैं घाटोपर में बहुत सी महिला संस्थाओं से जुड़ी हुई और जुड़े हुए मुझे सालों से इन्वाइट किया जाता है। जिस तरह का जैसे मैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे और यहाँ पे सारी टीम है विद्या चंद्रगढ़ की और उनकी सारी टीम, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत बड़े वुमन एम्पावरमेंट बच्चों के लिए भी बहुत से अलग अलग कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य बहुत ही सराहनीय है, जिस तरह से आज ही उन्होंने जैसे सोइंग मशीन बोला, ये सारे कैसे कोरोना के वक्त जो लेडीज थी सब घर पर बैठे व्यवसाय कर सकती है, उन चीज़ लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से प्रोत्साहित किया कि लेकिन और अपना घर तक चला सकते हैं। ऐसे बहुत सी सारी एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करते हैं एंड वेट्स ऑफ जो इस तरह की सारी प्रोग्राम सारी प्रोजेक्ट्स करते हैं एंड उनका जगह भी उनको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प चाहिए या कहीं पर भी चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर विद द जेडल। मेरा नाम प्रकाश है, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन अभी मैंने बेकिंग का स्टार्ट किया है और जेडल से तो काफ़ी पुराना टाइम से रिलेशन है, इनके फाउंडर मेरे हुआ होगा। आपने अपना बेकिंग का चालू किया तो उसके बारे में भी आप बताना चाहेंगे, यहाँ पर आने से कितना फ़ायदा हुआ आपको? तो मैंने स्टार्ट किया लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में कैसे इतने इवेंट्स और सब होते हैं, मुझे इतना मौका नहीं मिलता था लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का, जैसे कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला गया है जहाँ मेरा नाम रूपाली कटारिया है, वो मेरा स्टॉल
शॉल, बेबी ब्लैंकेट, तोहर, कम्फर्टर, इसका मैंने आज फर्स्ट टाइम लगाया है। ये जेनरल फाउंडेशन के द्वारा जो हमें ये लेडीज़ लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, आगे बढ़ाते हुए हमको अच्छा लग रहा है कि इतनी खुशी हो रही है कि इतना सारा क्राउड देख के हमको भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ आके कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। सेम सेम, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलके एक ही बिजनेस में एक ही स्टॉल पे दोनों काम करते हैं। किस तरह से आप लोगों ने सोचा ये प्लान, कुछ अगर आप बता सके ये बिजनेस स्टार्ट करने का? जी, ये हम लोग को इनके जेनरल फाउंडेशन के द्वारा ही प्रेरित, मतलब इन्होंने हमको आगे बढ़ने के लिए बोला कि आप ये स्टॉल आप लगा सकते हो, आप कर सकते हो, उसके वजह से और लोगों को भी प्रोत्साहित करने को उनको भी अच्छा लगेगा। इस तरह से जो अपने घर में जो लेडीज़ लोग काम करती हैं तो उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इसके लिए ये हमें ये सोचा कि हरिओम मणि के रचना शेटिया फाउंडर डायरेक्टर ऑफ इसे योगा स्टूडियो अजू इवेंटरी ने बहुत बहुत खुशी की थी कि पांजी नाथ जी नंदी थी करीने बड़ी हर एक व्यक्ति एटली उत्साहित है। बड़ा जी टीम पंजे खड़े पगे उभी है, हर एक की मदद करला, नंदे थी वड़ी मणि की सखायला, साथ कदम से कदम मलायला, इन्हें मुझे बहुत खुशी की थी। मैंने नंदी वस्तु ना है हर एक स्त्री हड़ा पंजो फैमिली के एडजस्ट करी ने पंजा टाइम टेबल एडजस्ट करी ने समय इन इवेंट ला कड़े ने ये बहुत बड़ी बात है। अने आफ्टर कोरोना हर एक घर के अगर वुमन एंटरप्रेनर की जरूरत है जो पंजे फैमिली के सपोर्ट करी सके, जो पंजी एबिलिटीज के बधारी सके, अने जेडर इला करे हर एक चीज करी रही है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ स्मॉल बाइट, इट्स अ वेरी बिग डील। थ्री चीयर्स टू जेडर। मेरा नाम हिला रमेश गजवा है। हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम हमारी समाज की जो महिलाएँ हैं उनको थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो आगे बढ़ सके। मैडम आपका काफी तो योगदान रहा, काफी मूवमेंट को एक साथ लेकर आने का था कि नहीं? बस एक महिला है तो महिला को सपोर्ट कर आगे बढ़े, अपनी जिम्मेदारी को आगे आगे बढ़े तो देश का भी विकास होगा, घर का भी विकास होगा, मैं ऐसा मानती हूँ। आप प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत? नहीं, प्रधानमंत्री का सपना तो काफी बड़ा होगा पर हम छोटा है, एक सपना है महिलाओं को हम पूरा आगे बढ़ाए, वही एक सपना है वो पूरा कर पाए। हम सब ने प्रधानमंत्री को बहुत सहयोग किया है। मुंबई से बाहर ज्यादा है बाहर कैंप लगाने के लिए, मुंबई से बाहर गुजरात या हमारा हमारा जेंडर फाउंडेशन का प्रयास इंडिया में गुजरात में कच्छ में हमारे काम लग गया है कि चार महीने में हम ऐसा कुछ करें तो हम प्रयास करेंगे कि हम उन्हें यहाँ तक की स्थिति का अगर छोटी करें और भी आगे ही चारों के उत्पाद नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा हूँ, एक एक्ट्रेस, मॉडल, एंकर, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। एंड आज मुझे यहाँ पे एज गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब महिलाएं इकट्ठी होकर उनकी शक्तियों का सही उपयोग होता है, प्रेरणा मिलती है उनकी महिलाओं को। एंड जेगर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, जो उनकी लीडर है विजय बहन, जो लीला गजरा जी हैं और बाकी उनकी सहयोगी टीम है, ये सब शक्तियाँ मिलकर एक बहुत अच्छा एम्पावरमेंट काम कर रही है। एंड आई थिंक इट्स नीड ऑफ द आवर दैट एवरी वुमन यूजेस देयर पावर टू एम्पावर अनदर वुमन। बढ़ावा मिल रहा है क्या? यस इट इज़, बिकॉज हम चाहते हैं कि महिलाओं को इक्वालिटी मिले,
महिलाओं का रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, एंड आई थिंक इफ वेन ऑल वुमेन एंड ऑल एनजीओज गेट टुगेदर एंड वी वर्क टूवर्ड्स फॉर वुमेन इक्वालिटी, फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वी वर्क फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एवरीबॉडी इज नॉट ओनली द वुमेन बट ऑल्सो द नेशन विल बी डेवलप्ड एंड वी टुगेदर विल बी ग्रोइंग द एंटायर प्लान ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. थैंक यू सो मच. आपका नाम बताइए. हमारे कास्ट की लेडीजों को छोड़ा.
वुमेन एम्पावरमेंट को एक बहुत बड़ा कह रहे हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं जेडल ग्रुप को बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ कि वुमेन्स पावर को एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और कई सालों से हम उनका ये प्रयास करते हैं, बहुत सारे प्रोत्साहन देने के लिए आई हूँ और जैनल का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, और एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड्स को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म देना बिजनेस के लिए ग्राहक की जरूरत रहती है, और यहाँ के जो भी बहुत सारे जैनल इकट्ठा होती है तो बहुत सारा अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है बिजनेस, और बहुत सारा यहाँ मिलता है। मेरी उनको शुभकामनाएँ रहती है और उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैम आपने स्टॉल देखा होगा, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको कुछ अगर आप बता सकें? देखो मैं खुद महिला हूँ और यहाँ पे 99% महिलाओं ने स्टॉल लगाया है, और वो सब लेडीज की जो फेवरेट चीज़ है, चाहे कोई स्टेशनरी हो, चाहे पर्स हो, साड़ी हो, लहंगा हो, या कोई फूड का काउंटर हो, सबसे बेस्ट है। अगर मैं कॉम्पिटार में जाऊँगी तो मैं किसी एक का नाम नहीं बताऊँगा, ऑल इज गुड और बहुत ही अच्छा, छोटी सी जगह में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। थैंक यू। और आपने इस तरह से आपका भी स्टॉल आपने घूमे, लेकिन क्या पसंद?